मैंने व्लॉग अपलोड किया था ना माशाल्लाह से, वो बहुत हिट व्लॉग गया है और काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ने उस व्लॉग को जो है ना वो पसंद भी किया है। तो आज फिर इसलिए मैंने सोचा कि चले मैं अपने डिनर सेट की जो है वो ओपनिंग कर लेता हूँ। कुछ सामान आ गया है, कुछ अभी रहता है, और जिस जगह पे मैं बैठा हूँ ना इस टाइम, यहाँ पे मैंने अपना बनाना है किचन, क्योंकि आगे माशाल्लाह से रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान में फिर रोज़ा होता है, इबादत करनी होती है, गर्मी भी होती है, तो बाहर व्लॉगिंग के लिए नहीं जाया जाता। अगर हम चले भी जाएँ तो फिर इंटरटेन नहीं कर सकते आपको, क्योंकि रोज़ा होता है, गर्मी होती है, बोला भी नहीं जाता ज़्यादा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ जी आज का प्यारा सा व्लॉग करते हैं शुरू। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं मिट्टी का डिनर सेट लेके आया हूँ, तो आज हम इसकी कर रहे हैं ओपनिंग। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और इसकी ओपनिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जी मिट्टी की कढ़ाई, इसमें जो है वो आटा वगैरह गूंथते हैं, परात इसको बोलते हैं हम उर्दू में। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे और खूबसूरत डिज़ाइन के साथ जो है ना इसको बनाया गया है, बिल्कुल ग्लेज्ड है माशाल्लाह से। इसमें पानी भी हम डालेंगे ना तो इसमें उल्ली वगैरह या फंगस नहीं लगेगी, क्योंकि ऊपर उस लोगों ने जो है ना इसको ग्लेज किया हुआ है। तो माशाल्लाह से ग्लास, ये दो अदद सादा ग्लास हैं जी, इनका भी डिज़ाइन बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत है। वैसे भी हमें घर में इस तरह के ग्लास ही यूज़ करने चाहिए। पहले मेरे पास भी एक था लेकिन वो टूट गया था। अभी ये दो ग्लास हैं सादा डिनर सेट के साथ आए हुए हैं, इनको भी हम रख लेते हैं साइड पर। तो माशाल्लाह से आगे जी डोई, इसको पंजाबी में हम डोई बोलते हैं, आपकी लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं मुझे कमेंट लाजमी कीजिएगा। ये सालन वगैरह पकाने के लिए है, और ये चावल वगैरह या पराठा वगैरह को आपने पलटना है तवे के अंदर, तो ये लकड़ी का जो है ये कड़छा वगैरह है, ये दो अदद ये हमने लिए हैं। और माशाल्लाह से तीन अदद इसके साथ जो है ना छोटी छोटी प्लेट्स आई हैं जी माशाल्लाह से। ये तीनों जो है वो सेम ही कलर, सेम ही डिज़ाइन है, ऊपर से इसको भी ग्लेज किया हुआ है, ये भी बहुत ही प्यारी है। सालन वगैरह भी आप डाल के खा सकते हो, चावल वगैरह पकाए हैं वो भी हम लोग इसमें डाल के जो है वो खा सकते हैं। दो अदद जी सादा पानी पीने वाले जो ग्लास थे वो सादा थे। अब ये वाले जो हैं ये थोड़े से डिज़ाइन में हैं माशाल्लाह से, ये भी बहुत ही प्यारे लगे हैं मुझे, क्योंकि दो डिज़ाइन थे, एक बिल्कुल सीधे थे, एक ये गोल थे, तो मैंने सोचा कि चलें गोल जो है ना वो ज़्यादा प्यारे लगते हैं, इसलिए फिर मैंने ये गोल जो ग्लास थे ये मैंने ले लिए। माशाल्लाह से इनका डिज़ाइन और कलर भी जो है ना वो बहुत ही प्यारा है। तो माशाल्लाह से सालन वगैरह डालने के लिए जी ये दो छोटी छोटी प्लेट्स हैं, बहुत ही प्यारी हैं, सेम डिज़ाइन और सेम कलर है इनका भी, इनके ऊपर भी ग्लेजिंग की हुई है, ताकि अगर हम इसको धोएं ना तो इसको भी उल्ली नहीं लगेगी। ये भी आप सालन वगैरह डाल सकते हो, अगर चाय भी हो तो चाय भी इसमें डालकर हम लोग पी सकते हैं। ये भी बहुत ही प्यारे कलर में आई हैं ये माशाल्लाह जी, चार अदद हैं ये, चार आई हैं जी। और अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे डिनर सेट में एक अदद जग भी है माशाल्लाह से, और ये इसके ऊपर जो है जी ढक्कन है, ताकि हम इसमें पानी वगैरह रखें तो मच्छर या मक्खियां वगैरह इसके अंदर जो है ना वो ना जाएं। बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह से, देख लें जी, और बहुत ज़बरदस्त है जी। और जी सबसे मेन जो हमारा आइटम है जी डिनर सेट का, वो है जी मिट्टी की हांडी, बहुत ही मज़बूत और बहुत ही वज़नी है माशाल्लाह से। और डिज़ाइन देख लें जी इसका, डिज़ाइन इसका भी बहुत ही प्यारा है, मुझे वैसे बहुत अच्छी लगी है। ये मीडियम साइज़ में है, ना छोटी है और ना ही बड़ी है, और बहुत ही सस्ती कीमत में माशाल्लाह से ये डिनर सेट जो है वो हमें मिल गया है। तो माशाल्लाह से एक और आइटम जो है वो इनके साथ हम लेके आए हैं, वो है जी ये छाननी वगैरह है जी, चिप्स वगैरह छानने के लिए, या चिकन पकोड़े वगैरह अगर हम लोग बनाते हैं तो उसको ये छानने के लिए जो है ना ये एक अदद छाननी जो है ये हम लेके आए हैं साथ। और मेन आइटम जो है कढ़ाई होती है मेन आइटम माशाल्लाह से, ये देख लें जी ये कढ़ाई का बहुत ही खूबसूरत जो है वो ढक्कन है माशाल्लाह से, देख लें जी कितना प्यारा और कितना ज़बरदस्त ग्लेज किया हुआ जो है वो ढक्कन है। और अल्हम्दुलिल्लाह जी कढ़ाई जो है वो लार्ज साइज़ में मैं लेके आया हूँ माशाल्लाह से, ये देख लें जी ये भी बहुत ही प्यारी और बहुत ही ज़बरदस्त कढ़ाई है।
और क्योंकि पहले जो मैं लेके आया था ना वो बिल्कुल छोटी थी, और अम्मी जी कह रही थी कि इसमें जो है ना वो चावल वगैरह भी नहीं पक सकते और या फिर हांडी वगैरह भी हम ज़्यादा मिकदार में नहीं बना सकते, तो इसलिए फिर मैं आज गया था वापस इसको करके आया हूँ। और मैं ये बड़े साइज़ का कड़ाहा लेके आया हूँ, माशाल्लाह से इसमें तकरीबन 8 से 10 बंदों का खाना जो है ना वो चावल वगैरह या सालन वगैरह वो ईज़िली इसके अंदर जो है वो पक जाएगा। तो माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स जो हैं ये हमसे पूछते हैं कि मिट्टी के बर्तन जो हैं कितने के आप लेके आए, क्योंकि कल जो मैंने व्लॉग अपलोड किया था ना माशाल्लाह से वो बहुत हिट व्लॉग गया है और काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ने उस व्लॉग को जो है ना वो पसंद भी किया। तो आज फिर इसलिए मैंने सोचा कि चले मैं अपने डिनर सेट की जो है वो ओपनिंग कर लेता हूँ। कुछ सामान आ गया है, कुछ अभी रहता है, और जिस जगह पे मैं बैठा हूँ ना इस टाइम यहाँ पे मैंने अपना बनाना है किचन, क्योंकि आगे माशाल्लाह से रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान में फिर रोज़ा होता है, इबादत करनी होती है, गर्मी भी होती है, तो बाहर भी व्लॉगिंग के लिए नहीं जाया जाता। अगर हम चले भी जाएं तो फिर इंटरटेन नहीं कर सकते आपको, क्योंकि रोज़ा होता है, गर्मी होती है, बोला भी नहीं जाता ज़्यादा। इसलिए ये जो छोटा सा एरिया है ना मेरे गार्डन का, इसमें से मैंने सब्ज़ियाँ वगैरह ख़त्म कर दी हैं और यहाँ पर मैंने अब बनाना है माशाल्लाह से अपना न्यू मड किचन। तकरीबन मुझे 2000 रुपये का डिनर सेट, ये सारा सामान जो है वो मुझे मिल गया, लेकिन अभी ये ज़रूरत के लिए काफ़ी है इतना ही, क्योंकि जैसे जैसे हम स्टार्ट करेंगे जिस जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होगी, छुरी वगैरह की ज़रूरत है और आलू छीलनी जो होती है वो मेरी घर में ही है, मैं लेके नहीं आया यहाँ पे, तो वो भी मैंने परचेज़ कर ली है इंशाल्लाह। तो ये मेरा पूरा डिनर सेट जो है ना ये मुझे 2000 रुपये में मिला है, और मांग तो वो तकरीबन 2600-2700 रुपये रहे थे, लेकिन जब उनको बताया कि हमारा YouTube चैनल है तो हमने अपने चैनल के लिए लेना है, तो उन्होंने फिर 500 रुपये हमें जो है वो रायत कर दी थी। और ये वाली स्टैंड और ये वाली डोई वगैरह जो है ना, ये 2 चम्मच मुझे जो है ना एज़ ए गिफ्ट उन लोगों ने मुझे दे दिए थे कि आप ये हमारी तरफ से गिफ्ट रखें। तो अगर किसी ने परचेज़ करना हो तो मैं तो बेसिकली हासिलपुर से बिलोंग करता हूँ, तो हासिलपुर दरबार शरीफ के साथ ही इनकी शॉप से बहुत बड़ा इनका जो है ना वो गोदाम है यहाँ पे, तो वहाँ से हर चीज़ जो है मिल जाती है। जिस जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत थी वो अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने परचेज़ कर ली है। तो अभी आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको मेरा ये मिट्टी का डिनर सेट किस तरह का लगा है, तो कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा पसंद आई है, ग्लास पसंद आए हैं या ये वाली सालन वाली जो प्लेट है ये ज़्यादा आपको पसंद आई है, कढ़ाई अच्छी लगी है या आपको पानी वाला जग जो है ना ये आपको जो है ना वो अच्छा लगा है, तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इसके ऊपर एक अदद ढक्कन भी है जिधर ये ढक्कन वाला जग है, इसकी प्राइस मैं बता दूँ आपको, मुझे याद है ये 350 रुपये उसने बताया था, लेकिन फिर मुझे उसने जो है ना ये 200 रुपये का दे दिया था, तो बाकी तो मुझे याद नहीं है। तो बाकी आप देख लें कि जो चीज़ आपको पसंद आए वो आप अपनी मार्केट से जाके परचेज़ कर सकते हैं। शाम का टाइम हो चुका है, तो अभी जो है व्लॉग का करते हैं हम एंड, इसकी करते हैं हम पैकिंग और इसको दोबारा से बॉक्स में बंद करते हैं, फिर यहाँ पे जगह वगैरह साफ़ करेंगे, तो फिर प्रॉपर इंशाल्लाह हम आपको मिलेंगे अपने न्यू मड किचन में। तो आज का व्लॉग यहीं पर करते हैं एंड, इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नए प्यारे से व्लॉग में। दिलावर अली को दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।